दिल्ली सरकार ने फैसला लेने में कर दी देरी। कुछ विश्वविद्यालयों में पहले ही आयोजित हो गई परीक्षाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं कविता, आप सभी का मेरे YouTube चैनल कविता इज हेयर पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। चलिए इस हेडिंग की इनसाइड स्टोरी की सत्यता को चेक करने का प्रयास करते हैं। शनिवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने घोषणा की, कोरोना संकट के कारण उत्पन्न हुई परिस्थिति को देखते हुए विश्वविद्यालयों के सभी सेमेस्टर और फाइनल परीक्षाओं को रद्द किया जा रहा है, लेकिन ये फैसला आने में सरकार से थोड़ी देरी हो गई। बता दें कि दिल्ली के कुछ विश्वविद्यालयों ने पहले ही परीक्षाएं आयोजित कर दी थी। दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले विश्वविद्यालयों में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी NSUT और इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन शामिल है। अम्बेडकर विश्वविद्यालय और इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन जैसे कुछ विश्वविद्यालयों ने पहले ही छात्रों की मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी कर ली और परिणामों की भी घोषणा कर दी। UGC के दिशा निर्देशों के अनुसार इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन विश्वविद्यालय ने मई जून के दौरान अपने सभी छात्रों के लिए अपने घर में ई लर्निंग प्रबंधन सॉफ्टवेयर ELMS का उपयोग करके मूल्यांकन को पूरा कर दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने पहले ही ऑनलाइन मोड में अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षाएं आयोजित की थी। बता दें कि यूनिवर्सिटी ने छात्रों को मार्कशीट और अनंतिम डिग्री भी दी थी ताकि छात्र नौकरी में शामिल हो सकें। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय ने अभी तक अपनी परीक्षा आयोजित नहीं की है। विश्वविद्यालय में 1 लाख से अधिक छात्र हैं और इसमें 127 संबद्ध कॉलेज हैं। नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी NSUT ने 3 से 10 जुलाई के बीच अपनी ऑनलाइन ओपन बुक की परीक्षा आयोजित की। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फिर एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन, ओके बाय।